फ्रेंड्स, आपने हमारे बहुत सारे सोनोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, तो आज का एक हमारा नया वीडियो है कि हम लोग जब भी पेशेंट को 9th मंथ स्टार्ट होता है तो हम लोग डॉपलर सोनोग्राफी करते हैं। डॉपलर यानी हम लोग बेबी का ब्लड फ्लो चेक करते, साथ में हम लोग बच्चे का वेट, बच्चे का पोजिशन, बच्चे का अराउंड का पानी, प्लासेंटा का पोजिशन, ये सभी चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारी मदर है जिसका आज 33 weeks 5 days कंप्लीट हुआ है, इसका हम लोग डॉपलर सोनोग्राफी कर रहे हैं। तो आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है फुटबॉल के जैसे, दैट इज़ बेबीज हेड। तो पहले हम लोग इसका मेजरमेंट ले रहे हैं। BPD 8.64, 34+6 HC, BPD यानी बाईपराइटल डायमीटर, HC यानी हेड सर्कम्फरेंस, हम लोग बच्चे के हेड का सर्कम्फरेंस ले रहे हैं। देखो 29.94, 33+1, मशीन अपने को ऑटोमेटिक रीडिंग देता है ग्रोथ के रिलेटेड। अभी मैं हेड को ट्रेस करके इस तरफ देख जा रही, देखो मदर का लेफ्ट साइड है वो, दिस इज़ बेबीज नेक, ये बच्चे का स्पाइन आ रहा है देखो, और अभी मैं बच्चे के टमी पे जा रही, दिस इज़ बच्चे का एब्डोमेन, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस। आपको फिर से एक बार ऐसे गोल फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो दिस इज़ बेबीज टमी, तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस। ये मेन बच्चे का वेट देता है, एब्डोमेन का सर्कम्फरेंस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चे का ग्रोथ दिखाने के लिए। तो थोड़ा बॉर्डर लाइन है देखो, ये AC 28.50, 32+4। अभी मैं जा रही थर्ड मेजरमेंट पे, जिसको हम लोग FL बोलते हैं, यानी बच्चे के थाई का हाइट ले रहे। देखो मैं आपको एक लंबा सा स्टिक के जैसे चीज़ दिख रही, ऊपर बच्चे के हाथ है, देखो आपको पैरेलल दो स्टिक रहे दिख रहे, तो हाथ में दो बोन्स रहते। तो हम लोग बाकी काफ़ी टाइम आप कंफ्यूज हो सकते, तो इसमें एक्सपर्टाइज बहुत मैटर करता है। थाई में सिर्फ एक बोन रहता है फीमर, तो उसका हाइट ले रही मैं, ये देखो लंबा सा सबसे ज़्यादा टॉल बोन रहता है ये बॉडी का, तो इसकी वजह से हम लोग को बच्चे का हाइट पता चलता है। FL 6.74, 34+5। अभी मैंने बच्चे के मेजरमेंट लिए, देखो दिस इज़ अ रिपोर्ट पेज, मशीन ऑटोमेटिक रीडिंग दे रहा है, बच्चे का वेट आ रहा है 2215, मतलब 2200 ग्राम बच्चे का वेट है। बच्चे का ग्रोथ है 33 weeks 2 days, मतलब डेट के हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग आ रहा है देखो, और EDD आ रही 22nd of May, मतलब ये बेबी का ग्रोथ अच्छा है। तो ये हमारे बेसिक मेजरमेंट हो गए देखो, मतलब बच्चे का पोजीशन देखा मैंने हेड डाउन, फिर बच्चे के मेजरमेंट लिए तो मुझे वेट आया। अभी ये जो वाइट चंक दिख रहा है आपको सामने, दिस इज़ प्लेसेंटा, ये जो है ये प्लेसेंटा है, तो हम लोग प्लेसेंटा का पोजीशन भी देखते हैं। अभी ये जो ब्लैक है, ये है बच्चे के अराउंड के पानी के पॉकेट, इसको लाइकर बोलते हैं हम लोग, तो इसका हाइट लेते हैं। तो ये पहला पॉकेट हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट का, फिर मैं ऊपर जा रही तो ये ऊपर का पॉकेट हो गया, दिस इज राइट अपर क्वाड्रेंट। मदर के टमी को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो अभी मैं जा रही मदर के लेफ्ट में, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, सभी 3-3 सेंटीमीटर के पॉकेट आ रहे हैं देखो, ऑलमोस्ट 3-4 सेंटीमीटर के, मतलब उसके बेबी के अराउंड का पानी अच्छा है। नॉर्मल हम लोग AFI 13-14 बोलते हैं। ये बच्चे के नेक के अराउंड का पॉकेट है इसका, देखो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन AFI आ रहा है, 12 तक आ रहा है मेजरमेंट, लाइकर माइल्डली डिक्रीज AFI 12 सेंटीमीटर। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट फाइंडिंग पे आ रहे हैं, बच्चे के हार्ट बीट पे, ये हार्ट बीट काउंट कर रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट बीट पकड़ते एक बीट छोड़ के दूसरा, 142 आ रहे हैं देखो बेबी के हार्ट बीट। अभी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग पे आ रहे हैं हम लोग डॉपलर। अभी आपको ऐसे ये देखो लाइकर में ऐसे करली करली कॉइल्ड कैटरपिलर के जैसे वाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड। इसका हम लोगों ने कलर फ्लो सिलेक्ट किया तो हम लोग को दिखते हैं रेड एंड ब्लू, दिस ब्लू इज़ अम्बिलिकल आर्टरी, इसका हम लोग ब्लड फ्लो देख रहे हैं। ये ग्राफ देता है मशीन,
अम्बिलिकल आर आई 0.59, PI 0.95, SD 2.44। अभी देखो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये PI रहता है, अम्बिलिकल आर्टरी का पल्सेटली इंडेक्स जो 0.95 आया है। आइडियली इट शुड बी बिलो 1, और 1 के ऊपर रहा तो ब्लड फ्लो कम जा रहा है बच्चे को, 1.5 के ऊपर जा रहा है तो मतलब ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट स्टॉप होने को आया है, तो हम लोग इमरजेंसी में डिलीवरी करते। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड फ्लो बेबी का अच्छा चल रहा है। अभी मैं आई हूँ बच्चे के ब्रेन पे। ये आपको जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर दिखाया था, दैट इज़ बेबीज़ ब्रेन। तो अभी हम लोग ब्रेन का ब्लड फ्लो देख रहे हैं। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे का पोजीशन है। पेशेंट को बहुत इजी लगता है कि अरे डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे हैं, सोनोग्राफी में हमारा बेबी दिखाना है। इट्स लाइक अ फोटोग्राफी। तो अगर आपके बेबी ने पोजीशन अच्छा दिया तो हम लोग को सब इजी एक्सेस होता है। अगर पोजीशन नहीं मिली तो सोनोग्राफी को टाइम लगता है। अभी हेड का पोजीशन मुझे जैसे चाहिए वैसा नहीं है। देखो MCA यानी मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज देखते हैं हम लोग, उसका ब्लड फ्लो देखते हैं। MCA RI 0.79, PI 1.81, SD 4.85। अभी इसमें यूट्राइन का ब्लड फ्लो भी देखा जाता है। यूट्राइन यानी मदर के जो यूट्राइन वेसल्स रहते हैं जो यहाँ पे नीचे रहते हैं वो देखते हैं हम लोग। मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, वेट अच्छा है, अम्बिलिकल का फ्लो अच्छा है तो मैं जनरली यूट्राइन का ब्लड फ्लो नहीं लेती हूँ, लेकिन आइडियली यूट्राइन का ब्लड फ्लो भी चेक करना है। यहाँ पे अभी ये बेबी का ग्रोथ, वेट, लाइकर सब ठीक है, ब्लड फ्लो अच्छा है, इसलिए मैं यूट्राइन का ब्लड फ्लो नहीं ले रही। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते, देखो हम लोग बच्चे के नेक के अराउंड कॉर्ड तो नहीं है ना। अभी लकीली ये बेबी के नेक के अराउंड कॉर्ड का लूप नहीं है। ये मैंने डॉपलर का ब्लड फ्लो सिलेक्ट किया है और मैं बेबी के नेक पे हूँ देखो। तो अगर नेक के अराउंड लूप रहा तो ऐसे वर्टिकल वो लाइन जाती है, आपको बढ़िया रेड और ब्लू कलर का कॉर्ड दिखेगा। वो अभी नहीं है इसमें, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। इट्स अ गुड साइन एक्चुअली, कॉर्ड नहीं होना है। हमारा डॉपलर सोनोग्राफी ख़त्म हुआ है फ्रेंड्स।